पुत्री हैं विद्या रानी, कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि किसानों के आंदोलन में उनको दारू बांटी जाए, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? किसानों के आंदोलन में दारू बांटी जाए, क्यों दारू का क्या हो यहाँ? उन्होंने, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद उन्होंने मंच से पब्लिक, बड़ी पब्लिक में कहा है कि किसानों के आंदोलन में हर चीज़ उनको दी जाए, खाने दारू सबको दी जाए उनको। यहाँ तो नहीं कोई दारू पीता ना, इस तरह का कोई प्रोग्राम है? हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं, तो और क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी, उनका क्या मतलब आंदोलन से, उनका क्या मतलब आंदोलन से? तो फिर इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रही है? कोई और कोई कोई क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे भाई? हाँ तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में हैं कि अच्छा दारू कोई यहाँ पी लगाने गए आंदोलन में, इसका बहुत तो है नहीं, रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये क्या इलेक्शन है यहाँ? तो पार्टी किस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है? गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, अपने आंदोलन में बांटे जो बांटना उन्हें। किसानों के आंदोलन से कोई उनका लेना देना नहीं है, इस तरह के लोगों का नहीं है। आज आपने बच्चों की पाठशाला में गए थे, उनको पढ़ा है, तो किस लिए वो बच्चे आए थे और आपने क्यों वहाँ जाकर उनको पढ़ाया? उनको देख रहे थे कि एजुकेशन क्या है, नहीं बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक रह रहे और एजुकेशन है नहीं, ठीक है। बच्चे कहाँ से आए थे? ये यहीं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो यहाँ पे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, वे थे ये बच्चे, और इनको 22 तारीख से यहाँ पे पाठशाला चला रखी है, उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आंदोलन के बाद आगे की क्या प्रक्रिया आपकी तरफ से? हम तो यहीं रहेंगे आंदोलन में, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो पूरे देश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। तो इस तरह की पाठशाला रहेंगी तो बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा, इनको ज्ञान भी मिलेगा, इनको अच्छा सीखने को मिलनी चाहिए। और इनसे ये भी कहा कि आप जन्मदिन, जौन सा जन्मदिन हो उतने ही पेड़ लगाओ, तो एक तो पेड़ लगाकर पर्यावरण ठीक रहेगा और लोगों की जीने की आस होगी कि मैं 100 साल तक जीऊँगा, तो हर साल वो फिर 100 साल लगाए, 100 पेड़ लगाएगा, वो एक परंपरा डलनी चाहिए। इसलिए आज आपने उन लोगों को पढ़ाने का पढ़ाया, उनको बात करी, उनसे बताया उनको।